हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज ये जो मैं बेबी सेट बना के आपको बता रही हूँ, ये जो है मैंने न्यूबॉर्न बेबी के लिए बनाया हुआ है और इसे 6 महीने तक आराम से आप पहना सकते हैं। और इसके साथ स्वेटर, बीनी, कैप और ये सॉक्स हैं। तो सिंपल तरीके से बनाई है मैंने, बहुत ही आसान तरीके से बनाई है तीनों चीज़ें। तो ये जो स्वेटर है, ये देखिए, ये मैंने इस तरह से बॉर्डर डाला हुआ है और डबल फंदे डालने के बाद 4 लाइंस का ये बॉर्डर है और उसके बाद ये बहुत ही आसान ये पैटर्न है जो बहुत अच्छा जाता है बेबी सेट्स पे। तो हल्का सा जाली वाला है। तो ये जो लेंथ है, ये देखिए, हम न्यूबॉर्न बेबी के लिए बनाएंगे तो ये हमारी बॉर्डर के ऊपर लगभग 6 इंच है। तो बॉर्डर के ऊपर 6 इंच की लेंथ कंप्लीट करने के बाद हम 3 2 1 के ऑर्डर पे जो है ये होल्स, आर्म होल्स बना सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा जो है 4 इंच की लेंथ जो है ऊपर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से बनाया हुआ है और जो स्लीव्स हैं उसके टिप्स पे मैंने थोड़ा सा ये पैटर्न डालने के बाद बाकी पूरा प्लेन बनाया हुआ है। और जैसे मैंने ये फ्रंट साइड पे डिज़ाइन डाला है, वैसे ही बैक पोर्शन पे नहीं डाला है, वो पूरा प्लेन बनाया है। अगर आप पीछे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो ब्लैंकेट से ढके रहते हैं, तो पीछे अगर आप पैटर्न डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी चलता है। तो उसके बाद देखिए, ये मैंने सॉक्स बनाई हैं। तो इसके लिए मैंने 36 स्टिचेस को कास्ट ऑन करा था और यहाँ से शुरू किया है और यहाँ पे ख़त्म किया है दोनों को। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी इस तरह से, और ये जो डोरी है ये देखिए मैंने इस तरह से बनाई हुई है, जो बहुत ही आसान मेथड और पुराना तरीका है बनाने का। और उसके बाद ये मैंने बीनी बनाई है, इसमें भी देखिए मैंने जैसे स्लीव्स पे बॉर्डर बनाने के बाद 3 बार ये डिज़ाइन डाला है, तो यहाँ पे भी मैंने बॉर्डर बनाने के बाद 3 बार डिज़ाइन डालने के बाद थोड़ा प्लेन बनाया है और उसके बाद मैंने घटाई कर दी है। और ये इस तरह से मैंने की हुई है और जब पहनाएंगे तो ये फ्रंट पार्ट होगा। तो ये देखिए, बहुत अच्छी इस तरह से बनके तैयार हुई है। और ये पूरा का पूरा सेट जो है मैंने बेबी सॉफ्ट वूल जो आती है उससे बनाया हुआ है और 11 नंबर की नीडल्स पे बनाया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा इस तरह से ये जो है तैयार हुआ है बेबी सेट। तो आप अगर बनाना चाहते हैं तो इस बेबी सेट से आइडिया ले सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। और ये देखिए, एक और बेबी स्वेटर मैं लेके आई हूँ, ये भी उसी साइज़ का है सेम, सिर्फ इसमें डिफरेंस है कि थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। जो मैंने पैटर्न बनाया है ये मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और इसमें देखिए, मैंने डबल बॉर्डर, डबल फंदे डालने के बाद सीधा जो है पैटर्न को अप्लाई किया हुआ है और ये पैटर्न जो है मैंने 4 बार डाला हुआ है देखिए। और बिना बॉर्डर का है, डायरेक्ट आपने इसे यहाँ पे बनाया हुआ है और ऊपर जो है बाकी लेंथ जो है प्लेन बनाई हुई है, बाजू जो है बिल्कुल प्लेन है। इसमें हमने बैक साइड भी फ्रंट साइड की तरह बनाई हुई है, देखिए जितना हमने सामने पैटर्न को बनाया है उतना ही बैक साइड पे भी बनाया हुआ है और बाकी सारा का सारा पोर्शन हमने प्लेन बनाया है। ये भी सेम वूल है, बेबी सॉफ्ट वूल और 11 नंबर की नीडल्स। और देखिए, ये इस तरह से ये नेक हमने नेट किया हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखिए। तो बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल लाइट वेट और बिल्कुल नरम मुलायम ये स्वेटर्स जो हैं बनके तैयार हुई हैं, जो बच्चों को बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो से आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से आपको न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए जो है बेबी सेट्स बनाने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।